Hello everyone, welcome back to my channel. I am Satyam, your MFA guy. So guys, finally patch notes आ गया है. हाँ सच में यार बहुत दुख तो हो रहा है, बट कोई नहीं, यही जिंदगी है. तो ठीक है, patch notes आ गया है. तो यहाँ पे सरप्राइज क्या है, वन न्यू हीरो कैंग. ये हीरो नहीं विलन है, बट वो लोग इसको मतलब सभी कैरेक्टर्स को एज ए न्यू हीरो या हीरो बोल के मतलब आइडेंटिफाई करते हैं. तो कैंग आ रहा है न्यू कैरेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो. एंड कैंग का जो है यूनिवर्सल टाइप है, अगेन अनदर यूनिवर्सल सुपर विलन एंड ए ह्यूमन है. ठीक है, टैग बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है. तो ह्यूमन है, मेल, प्योर इवेल, फास्ट मूवमेंट. ओके, कहाँ से मिलेगा कैंग का बायोमेट्रिक्स, वर्ल्ड बॉस लेजेंड कंकरर कैंग. तो कैंग आप जो लोग क्लियर कर पाओगे आराम से एक ही दिन में शायद अनलॉक हो जाएगा, अगर 5 बायोमेट्रिक्स इसका लगता है तो. बट मुझे नहीं लगता इसका 5 लगेगा, शायद मे बी 10 लग सकता है. तो उसको हम देखेंगे जब गेम पे आ जाएगा. तो कैंग को क्या बनाता है, पीवीपी या पीवीई, वो हम अभी देख लेंगे. तो पहले कैंग्स का जो है लीडरशिप पे है, ऑल यहाँ पे सेल्फ पे है. ठीक है, मतलब कैंग को खुद को मिलेगा इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक 55% एंड ऑल एलाइज को मिलेगा रिमूवल डिबाफ. मतलब लीडरशिप से पता चल रहा है कि ये पीवीपी के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि ऑल अटैक खुद को देगा एंड बाकी एलाइज को सिर्फ रिमूवल डिबाफ. ओके, देन आता है मतलब अगर कैंग को आप लीडरशिप पे रखते हो तो. उसके बाद है एक पैसिव, ये है 4-स्टार पैसिव. ठीक है, 4-स्टार पैसिव पे है सेल्फ, 50% चांस टू पेनिट्रेट सुपर आर्मर बैरियर शील्ड इम्यून इनविंसिबल. मतलब इसके पास 50% पेनिट्रेशन नेटिवली है. ठीक है, मतलब इसको पेनिट्रेशन का जरूरत नहीं है. हाँ पेनिट्रेशन रेट लो है, बट 50% इसके पास नेटिवली है. ठीक है, देन आता है रिवाइव. तो इसका मतलब ये दो स्किल से ही हमको पता चल रहा है कि ये पीवीपी सेंट्रिक है, क्योंकि रिवाइव पीवीपी के में बहुत ज्यादा काम आता है, उसके ऊपर पेनिट्रेशन भी है. देन आता है कैंग का टीयर 2. ओ माय गॉड, टीयर 2 पे देखो गाइस, इंक्रीज एडिशनल पियर्स डैमेज बाय 5% एंड स्किल डैमेज 40, बोनस डैमेज 40, डिक्रीज डैमेज रिसीव बाय 40%. ओ माय गॉड, सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम गौर. गौर का भी आप अगर देखते हो तो सेम टू सेम यही है, बस गौर के यहाँ पे लीडरशिप पे रिमूवल डिबाफ के साथ ऑल एलाइज पे एचपी है, इसके पास है सेल्फ पे ऑल मतलब सेल्फ बफिंग लीड एंड बाकी सब के लिए मतलब बाकी सभी कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे है रिमूवल डिबाफ. बट एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, यहाँ पे ऑल एलाइज है. ठीक है, ऑल विलेन एलाइज नहीं, गौर या ऐसा गौर कैरेक्टर पे जो है उस पे विलेन एलाइज पे है. बट एक कैंग, आप कैंग को अगर लीड पे रखते हो तो कैंग उसके साथ एडम वॉरलॉक एंड आप जिन ग्रे या कोई भी ऐसा अपने उल्वरिन, कैंग लीड पे उल्वरिन एंड एडम वॉरलॉक को आप आराम से यूज कर सकते हो. मतलब भाई इनसेन हो गया. ठीक है, अब सिल्वर सर्फर को आप अगर यूज ना भी करना चाहते तो भी कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे कैंग को हम लीड पे आराम से रख सकते हैं. तो ऑल एलाइज है, तो उल्वरिन एंड एडम वॉरलॉक दोनों हीरो टाइप को भी देगा. ठीक है, जो रिमूवल डिबाफ. ठीक है, आप जल्दी से देख लेते. उसके बाद इस पे एडिशनल पियर्स डैमेज भी आया. फर्स्ट स्किल जो है ब्लीड डिक्रीज एडिशनल, ओके 40% ब्लीड डैमेज करेगा. ठीक है, उस पर उतना मतलब रिमूवल डिबाफ के वजह से उतना काम नहीं आएगा. पैरालिसिस है, ओके. सेकेंड स्किल पे काउंटर अटैक इग्नोर टारगेटिंग, ओके मतलब काउंटर अटैक करेगा एंड इग्नोर टारगेटिंग होगा, टाइम फ्रीजिंग कर देगा. ओ माय गॉड, ओपोनेंट को टाइम फ्रीज कर देगा एंड इनकैपेसिटेट से रिमूवल जो है बफ रहेगा, एक्टिव बफ. पैरालिसिस 15% एचपी रिकवरी एंड इम्यूनिटी एंड पेनिट्रेशन का कॉम्बो अच्छा ही है ऑलमोस्ट, बट इनकैपेसिटेशन ठीक है. ये टाइम फ्रीज उतना अप्लाई नहीं होगा क्योंकि रिमूवल डिबफ के वजह से इग्नोर हो जाएगा, बट 15% एचपी रिकवरी, ओके. एंड इस पे डैमेज प्रोक देता तो अच्छा होता सेकंड स्किल पे, बट ठीक है, काउंटर अटैक स्किल तगड़ा होना चाहिए था, बट देख के पता चलेगा गेम पे. उसके बाद है बर्न साइलेंस पैरालिसिस थर्ड स्किल पे एंड एकुमुलेशन 1% to 1%. नाइस, मतलब 1% का एकुमुलेशन, तो एकुमुलेशन रेट बढ़िया है. एंड उसके बाद है बर्न ब्लीड एंड फ्रेंजी बाफ है 45% का ऑल अटैक. ठीक है, स्पीड 1%, क्रिटिकल रेट 30%, ओके. बर्न एडिशनल जो है, अब अगेन आप फायर डैमेज भी करेगा, बर्न करेगा एंड डिक्रीज ऑल डैमेज, तो ये भी उतना मतलब काम पे नहीं आएगा. बट इनविंसिबल ये फिफ्थ स्किल पे है, तो इस स्किल पे गार्ड ब्रेक ये नहीं होगा, बट फोर्थ स्किल पे एक वी पैड स्किल भी है, तो बढ़िया है. तो कैंग का किट जो देख के पता चल रहा है ये पीवीपी सेंट्रिक होगा एंड अगेन इसको हम पीवीपी में एज ए लीडरशिप आप यूज कर सकते हो. इसके साथ हम एडम वॉरलॉक एंड उल्वरिन को यूज कर सकते हैं, तो नाइस, ये भी बढ़िया हुआ. एंड ये सुपर विलन है,
तो ओके भाई अब देखना पड़ेगा। यूनिवर्सल है तो एडम वॉरलॉक एंड वुल्वरीन एंड स्पाइडरमैन से मतलब कोई टाइप डिसएडवांटेज नहीं है, बट देखना पड़ेगा कितना मतलब इसके पास पावर रहता है। ओके एंड ये नेटिव टीयर 3 होगा ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बॉस लेजेंड वहां से क्योंकि हम इसको निकल मतलब अनलॉक कर सकते हैं, तो इसके लिए ए नेटिव टीयर 3 होगा, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो गौर। तो जो लोग गौर को अभी बिल्ड कर रहे थे, मे बी आप गौर को ना बिल्ड करके इसे बिल्ड कर सकते हो। एंड एक चीज और मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, इस पे सुपर आर्मर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो टीयर 2 स्किल पे डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव 40%, बट सुपर आर्मर यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा ठीक है। तो सुपर आर्मर नहीं है तो इसके लिए गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी एंड सुपर गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट रहेगा या तो डिफेंसिव के लिए माइटी ऑथोरिटी या ब्रिलियंट ऑथोरिटी और माइटी या ब्रिलियंट ग्रिड रीजनरेशन इस पे देना, मतलब मुझे नहीं लगता सही होगा क्योंकि इस पे सुपर आर्मर ऐसा कुछ है ही नहीं ठीक है। तो ग्रिड माइटी ग्रिड या माइटी ऑथोरिटी ओके हो गया। देन आता है 2 न्यू यूनिफॉर्म, अब दुख होना स्टार्ट। न्यू 2 न्यू यूनिफॉर्म लुनासोनो सामार लालिक एंड मिस्टेरियो सामार मिस्ट्री ओके। तो लुनासोनो को मिल रहा है न्यू यूनिफॉर्म एंड ओ भी समर डेज, यहाँ पे आप देख सकते हो कूल समर टोकन 30, मतलब 30 टोकन आपको स्पेंड करना पड़ेगा तब जाके लेना पड़ेगा। एंड 30 टोकन के लिए आपको 2 packs मिनिमम का खरीदना पड़ेगा। 10 टोकन्स तो आपको मतलब एवरी प्लेयर सबको मिलेगा फ्री में, बट 20 टोकन के लिए आपको इन इंडियन करेंसी में 2000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा। तो 2000 का यूनिफॉर्म भाई, 2000 पे आप खुद का कितना सारा यूनिफॉर्म ले सकते हो भाई शॉपिंग करके। तो लुनासोनो का यूनिफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म इफेक्ट पे है कोल्ड रेजिस्ट एंड कोल्ड डैमेज डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव बाय 10%। अब कोल्ड रेजिस्ट लोग सोचेंगे भाई क्यों दे रहा है, क्योंकि लूना का आर्टिफैक्ट कोल्ड रेजिस्ट के ऊपर ट्रिगर्ड होता है, मतलब जितना ज्यादा लूना पे कोल्ड रेजिस्ट रहेगा उसका कोल्ड डैमेज उतना ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे कोल्ड रेजिस्ट दे दिया यूनिफॉर्म इफेक्ट पे। टीयर 3 जो स्किल है यहाँ पे आप देख सकते हो चील है, फ्रीज है, रिमूव रिकवरी 15% एचपी रिकवरी, इग्नोर डॉज 80% पेनिट्रेट सब कुछ ओके, 1.2% एक्युमुलेशन ओ माय गॉड, मतलब इनसेन डैमेज भाई ठीक है। एंड जो है इसका नॉर्मल जो फोर्थ स्किल है मतलब 4-star पैसिव इंक्रीज बेसिक अटैक 30% अटैक बढ़ेगा, बेसिक डिफेंस जो है बेसिक डिफेंस 10%, ऑल स्पीड 5% का ओके। टीयर 2 स्किल है 40% इम्यून टू फायर डैमेज ओके, 30% कोल्ड डैमेज इंक्रीज, स्किल डैमेज 30-20 ठीक है। देन है फ्रीज ओके, फ्रीज फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर फाइनली एटलीस्ट कुछ लूना को मिल रहा है जिससे वो रोअर कैंसिल कर सकता है फ्रीज फ्रैक्चर, और क्योंकि इसको टीयर 4 भी मिल रहा है तो इसीलिए मतलब उतना टेंशन नहीं है, आप स्ट्राइकर यूज कर सकते हैं, बट बिना स्ट्राइकर के भी लूना एकदम फाड़ देता है एबीएक्स पे, अब एवीएल में भी आतंक है ठीक है। फ्रीज ओके, देन है जो है सेकंड स्किल पे फ्रीज फ्रैक्चर ओके, उसके बाद है स्टान फ्रीज ठीक है, उसके बाद है फोर्थ स्किल पे साइलेंस नाइस, चिल फ्रीज साइलेंस पैरालिसिस ओ माय गॉड, फोर्थ स्किल पे दोनों दे दिया एक साथ साइलेंस एंड पैरालिसिस नाइस, मतलब एक अलायंस बैटल लेजेंड के लिए फ्रैक्चर, अलायंस बैटल एक्सट्रीम के लिए साइलेंस एंड पैरालिसिस। एंड फिफ्थ स्किल जो है यहाँ पे है फ्रीज स्नेयर भी दे दिया नाइस भाई ओ भाई, मतलब स्नेयर एंड फ्रैक्चर एबीएल एंड साइलेंस एंड पैरालिसिस एबीएक्स ओ माय गॉड, मतलब 2 महीने का आपका काम आराम से हो गया, बट 1 महीने बांड एंड मे बी क्या था स्नेयर इस पे है, स्नेयर है शॉक बाण एंड शॉक, ये दोनों आपको बस ऐड करना पड़ेगा 2 महीने, बाकी कोई भी मतलब चेंजेस नहीं होगा भाई, मतलब इनसेन। एंड फोर्थ स्किल पे रिकवर 25% मैक्स एचपी इनविजिबल 5 सेकंड का, यहाँ पे भी ओ भाई कितने सारा रिकवरी रेट दिया, फोर्थ स्किल पे भी 25% एचपी रिकवरी, फिफ्थ स्किल पे 25% एचपी रिकवरी, ईयर 3 पे भी 15% का एचपी रिकवरी ओ माय गॉड, मतलब पीवीई मॉन्स्टर एबीएक्स एबीएल के लिए भाई ये आतंक है, इनके पास पैसा है उनके लिए बढ़िया है भाई, हमारे लिए क्या ही कर ठीक है कोई बात नहीं। तो इसी बार ने एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, ताकि हमको भी यूट्यूब से कुछ फंडिंग मिले जिससे हम भी ये सब परचेस कर सके एंड आप लोगों को वीडियो एंड मोर इन्फो गेम रिलेटेड दे सके। तो जरूर वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इससे हेल्प मिलेगा भाई लोग ठीक है।
उसके बाद आता है मिस्टेरियो, एक आइंडा मिस्टिक है भाई मिस्टेरियो, सच में मुझे बढ़िया लगा। अब मिस्टेरियो का, मिस्टेरियो को कुछ नहीं मिल रहा, मतलब ईयर थ्री जो लोग बोल रहे थे या ईयर फोर, भाई सैडली स्पीकिंग कुछ भी नहीं मिल रहा। बट ये जो यूनिफॉर्म है मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1750 का फुल कॉस्ट यूनिफॉर्म है मिस्टेरियो का। ओके कोई बात नहीं, बट यूनिफॉर्म इफेक्ट पे है सेल्फ पे 50%, पहले भी था 30% पेनिट्रेशन, ओके डिक्रीज डैमेज रेसिस 66%, ओके। ईयर टू पैसिव जो है यहाँ पे क्या दे रहा है, सेल्फ को मिलेगा, सेल्फ को मिलेगा जो है स्किल डैमेज 40%, बोनस डैमेज 40%। बट सुपर विलेन एलाइज, सभी सुपर विलेन एलाइज गेम पे जितने भी है, ऑल अटैक 30% डिक्रीज डैमेज डील टू बॉस टाइप 40%। ओ एम जी भाई, मतलब सेम टू सेम कॉपी का, कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम एंचेंट्रेस, एंचेंट्रेस से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया मिस्टेरियो पे। मतलब हमको जो लीड एंड सपोर्ट चाहिए था, मतलब जो सपोर्ट चाहिए था ब्लास्ट विलेन पे, वो दोनों हमको मिल गया। ब्लास्ट फीमेल विलेन पे भी हमको मिल रहा है एंचेंट्रेस, एंड ब्लास्ट विलेन पे हमको मिल रहा है मिस्टेरियो। तो मिस्टेरियो भी एबीएक्स के लिए एंड एबीएल के, एबीएल में भी मस्ट बाय हो गया सबके लिए, ठीक है। मतलब जो लोग एबीएक्स एबीएल वगैरह में पुश करते हैं उनके लिए भी ये इनसेन हो गया। एंड इसका डैमेज कितना है वो भी हम टेस्ट करेंगे। एंड एक और चीज, जो लोग आयरन मैन को, मतलब मैग्नीटो का यूनिफॉर्म नहीं है या मैग्नीटो का डीलक्स पैक नहीं लेना चाहते, बट आयरन मैन को टीयर फोर किया हुआ है, आयरन मैन का जो सुपीरियर आयरन मैन वाला यूनिफॉर्म से एबीएक्स एबीएल खेलते हो, वहां पे मैं टेस्ट करूंगा भाई कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है पहले से। ये अगर अच्छा हो गया तो मे भी जो लोग उतना पुश नहीं करते एबीएक्स एबीएल, उनके लिए यूनिफॉर्म मास्ट बाय हो सकता है, या तो एज ए डैमेज किलर या एज ए सपोर्ट। तो हम टेस्ट करेंगे, तो बढ़िया कंटेंट आएगा भाई लोग, नो टेंशन। बस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना। तो ठीक है, सभी कैरेक्टर्स को, मतलब मैग्नीटो को, अगर मैग्नीटो को हम यहाँ पे रेफरेंस पकड़ते हैं तो उसको 30% अटैक एंड 40% डैमेज डील टू बॉस टाइप, भाई इनसेन। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सेकंड स्किल, फर्स्ट स्किल पे कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा जो बफ वफ ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड स्किल पे स्टान 20% एचपी रिकवरी एंड भी पैड स्किल है, मतलब मूवमेंट कर सकते हो। थर्ड स्किल पे एक्यूमुलेशन पे कोई वो लोगों ने छेड़छाड़ नहीं किया, जो था भाई है 1% बढ़िया। फोर्थ स्किल पे पैरालिसिस बस और कुछ नहीं है, एंड फ्रेंजी बफ ठीक है, एंड लास्ट पे है रिमूव इनकैपेसिटेशन एंड 50% अटैक। मतलब स्किल पे उतना कुछ चेंजेस नहीं है, जो था भाई है, बस यहाँ पे पैसिव वो लोगों ने यहाँ पे डाल दिया भाई, तो ये इसको इंसेन बना देता है। एंड सपोर्ट कैरेक्टर का वैल्यू कभी कम नहीं होता गाइस, ये याद रखना। फिर आता है लूना स्नो टीयर फोर, भाई जिसको लिए, जिसको मुझे चाहिए था, मतलब कितने दिन से वेट किया, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो लूना स्नो को टीयर फोर स्किल पे मिल रहा है इंक्रीज बेसिक डैमेज 80% डिक्रीज बाई 8 एवरी। ये मुझे काइंड मतलब अजीब लगा, इंक्रीज बेसिक डैमेज 80%, तो इसका डैमेज 80% बढ़ जाएगा, डिक्रीजेस बाई 8% एवरी 1 सेकेंड। तो क्या इसका मतलब फर्स्ट हिट पे 80% डैमेज, उसके बाद 8% कम डैमेज, उसके बाद 8% कम डैमेज, ऐसा करके होगा क्या? मतलब 10 सेकंड कंप्लीट होगा इसका पूरा स्किल, मतलब 80% से 0% हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 10 मतलब यहाँ पे हिसाब करते हैं 8%, 8 × 10 = 80, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई 80% पहले डैमेज करेगा, बट जब आपका काउंट डाउन खत्म होगा तब इसका डैमेज धीरे धीरे कम होता रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, बट देखते हैं उस, तो मुझे पता नहीं। एंड देखते हैं अगर कोई टीयर फोर करते हैं तो उससे हम इनसाइड लेके आपको बताएंगे जरूर। देन आता है कैंग का टीयर थ्री स्किल, ठीक है, वो है यहाँ पे फ्रीज, टाइम फ्रीज, बर्न, इग्नोर टारगेट डॉज 100%, इनविजिबिलिटी जो है माने इनविजिबल, ठीक है, मतलब गार्ड ब्रेक नहीं होगा, एंड इंक्रीज ऑल अटैक 70% ऑल अटैक एंड एनर्जी डैमेज। ओके भाई, तो टीयर थ्री स्किल बढ़िया लग रहा है, बट कैंग में भी पीवीपी बेटर रहेगा। ओके, कैंग का आर्टिफैक्ट भाई वो लोगों ने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया भाई, डिटो सेम टू सेम आर्टिफैक्ट है गौर पे। किससे कॉपी किया? पूरा कैंग का बिल्ड वो लोगों ने 80% कॉपी कर दिया कैंग से, ठीक है, यहाँ पे सॉरी कैंग बोल रहा हूँ, गौर ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स लेजेंड गौर जो है, गौर कैरेक्टर, उसके साथ यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज डैमेज डील टू सुपर हीरो एंड सुपर विलन दोनों पे 20% करके डैमेज करेगा। एंड सैडली या लकीली मेरे पास गौर का 6-star आर्टिफैक्ट है, तो मेरा गौर पे भी मतलब यही सेम इफेक्ट है, ठीक है, मतलब सभी गौर वाला आर्टिफैक्ट पे भी सेम इफेक्ट है, एंड कैंग पे भी ऑलमोस्ट सेम डाल दिया, मतलब उससे कॉपी करके यहाँ पे ये लोगों ने पेस्ट कर दिया। एंड द मतलब बैनर जो है अपडेट का, ओडिन को बफ मिल रहा है भाई लोग, ओडिन को बफ मिल रहा है, ठीक है, वीडियो अति लंबा हो गया, मैं बेसिकली कम टाइम का सोच रहा था, बट ठीक है जो है उसको तो हम बोल ही सकते हैं।
तो ओडिन को बफ मिल रहा है, इसीलिए मैं ओडिन का वीडियो अभी तक नहीं बना रहा था। ठीक है, ओडिन का मैं चाहता तो फाइनल वर्डिक्ट दे देता, बट मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम एक बार वेट करके देख लेते हैं। एंड यस भाई, वी आर ऑन, ओडिन को बफ मिल रहा है। मतलब जो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे द हिट काउंट इंक्रीज कर दिया, फोर्थ स्किल पे, फिफ्थ स्किल पे भी हिट काउंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ऐसा स्ट्राइकर स्किल, द हिट काउंट हैज बीन इंक्रीज, पीपीआर स्किल ओके, इम्यूनिटी डिबफ, बेसिक अटैक ओके, मतलब टीयर फोर स्किल पे भी हिट काउंट वो लोगों ने इंक्रीज कर दिया। ये तो हम नहीं टेस्ट कर सकते, हमारे पास टीयर फोर नहीं है, बट जो है फोर्थ स्किल एंड फिफ्थ स्किल पे वो लोगों ने हिट काउंट चेंज किया। बट ये मुझे काइंड अजीब लगा कि लाइटिंग डैमेज 160% की जगह 70% दिया, बट हिट काउंट की वजह से हमको देखना पड़ेगा कितना ज्यादा मतलब डिफरेंस हो रहा है पहले से। ठीक है, तो बढ़िया हो रहा है भाई। अब हम थॉर के साथ ओडिन का टेस्ट करेंगे एंड पता चलेगा हमको कितना ओपी हो गया है ओडिन, एंड आपको लेना पड़ेगा या नहीं, मतलब लेना चाहिए या नहीं। तो यही था पैच नोट्स। अब लूना का यूनिफॉर्म कैसे ले उसका भी मैं, चलो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो उसका मैं इस वीडियो पे ना बोल के एक और मैं वीडियो इसके बाद बना दूंगा। ठीक है, तो इसी वीडियो पे हम एक बार काम कर लेते हैं, जो इवेंट आ रहा है इवेंट पे हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो इवेंट है, इवेंट पे आप देख सकते हो कूल समर इवेंट आ रहा है, एंड अगेन ये स्पेशल यूनिफॉर्म है जिसके लिए मैं पहले बोल रहा था वीडियो पे ओडिन का यूनिफॉर्म मत लो, क्योंकि अब देख सकते हो समर यूनिफॉर्म आ गया। एंड ये सभी यूनिफॉर्म आपको बस 14 दिन के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, एंड नेक्स्ट साल मिलेगा फिर। तो यहाँ से मिस्टेरियो का यूनिफॉर्म अब मुझे अच्छा लग रहा है, एंड मैं यूनिफॉर्म परचेस करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि इतना अच्छा है। एंड लूना सोनो का तो टोकन वाला है, बाकी ऑल यूनिफॉर्म सेल आ गया। ठीक है, ऑल यूनिफॉर्म सेल फिर से आ रहा है, एंड ऑल यूनिफॉर्म का मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आप जरूर जाके चेक कर सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा। आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक और ऑल यूनिफॉर्म के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, वरना पुराना वीडियो आप देख सकते हो आराम से, वो भी बढ़िया है। एंड लूना सोनो को टीआर फोर पे यहाँ पे मेटल मिलेगा, एंड ये दो यूनिफॉर्म पे सब यूनिफॉर्म टिकट मिलेगा। कैरेक्टर रैंकिंग इवेंट पहले मिस्ट्रियो को मिलेगा गियर। ठीक है, एंड गोल्ड बोनस मिशन, तो गोल्ड जितना स्पेंड करोगे ये सब मिलेगा, तो अच्छा है। कैंग को अभी बिल्ड कर सकते हो तो ये सब एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा आपको। देन है कूल समर स्पेशल चिकन डे, सॉरी स्पेशल चेक इन इवेंट। ठीक है, जो मैं बोल रहा था यहाँ पे आप देख सकते हो 10 टोकन सबको मिलेगा। तो ये जो मतलब, चलो मैं लूना का अगर यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कूल समर टोकन 30, ये 30 टोकन आपको 30 में से 10 टोकन आपको फ्री में मिलेगा, बाकी 20 आपको परचेस करना है। अब कौन सा पैक परचेस करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। एंड आर्टिफैक्ट डिस्काउंट, ये मतलब जो लोगों ने 6 स्टार या 5 स्टार अच्छा कैरेक्टर का आर्टिफैक्ट कोई गलत कैरेक्टर पे दे दिया, फिर अनइक्विप कर सकते हो, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, मत करना। देन है कस्टम गियर अनइक्विप कॉस्ट इवेंट, भाई वो तो चल ही रहा है ऑलमोस्ट, गियर डिस्काउंट ड्यूरिंग इवेंट 8/12/19 ओके, मतलब वो लोगों ने क्या एक ऑलरेडी चल रहा है अभी गेम पे ऑलरेडी एक रनिंग है कस्टम गियर आने के इवेंट, उसके साथ एक और वो लोगों ने ऐड कर रहा है, मतलब एक और दे रहा है जो है 12 तारीख से चालू होगा 19 तारीख तक। भाई बढ़िया है, ये बढ़िया हुआ कि अपडेट के टाइम पे दिया, बट स्टिल होगा तब तो अनिक्यूब करोगे। ठीक है, तो यही था इवेंट एंड जो था अपडेट पैच नोट्स। कुछ नहीं कर सकते, लूना को देख के दुख हो रहा है, बट ठीक है अभी मैं स्पाइडर गोन को टीयर 4 करूंगा क्योंकि मुझे उसको यूज करना है। एंड मिस्टेरियो का मुझे बढ़िया लगा भाई, ए यूनिफॉर्म मुझे अब लेना पड़ेगा क्योंकि बढ़िया है भाई, सपोर्ट भी अच्छा देगा एंड रिव्यू भी करेंगे हम। तो यही था वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट पूरा पैच नोट्स जितना था मैं डिस्क्राइब कर दिया, बाकी और भी चीज़ें हम बाद में अपडेट के बाद देख पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड ओडिन का वीडियो आएगा एंड बहुत सारे वीडियो आएगा, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग फ्यूचर फाइट रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय।